इमरान खान कौम से खिताब के लिए तैयार, पानामा पेपर्स करप्शन और क्या क्या होगी बात, सबको बेचैनी से इंतजार। पानामा का हंगामा, पीपल्स पार्टी का खुलकर मैदान में आने का फैसला, पार्टी की कोर कमेटी कल सर जोड़ेगी। साबिक जजेस का पानामा पेपर्स की इंक्वायरी का बोझ उठाने से साफ इनकार, हुकूमत की मुश्किलें बढ़ने लगी। 2 लाख पाउंड कमाए, 76,000 टैक्स दिया, पानामा पेपर से परेशान डेविड कैमरॉन ने टैक्स तफसीलात बता दी। पाकिस्तान का आइन 43 वर्ष का हो गया, आमिर 3 बार आइन पामाल कर चुके, आज यौम दस्तूर है। 1973 के आइन की बहाली बेनजीर शहीद का मिशन था, जिसे 18वीं तरमीम से पूरा किया, बिलावल भुट्टो का ट्वीट। मोदी सरकार का खित्ते के अमन पर एक बार भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तेआल फायरिंग, पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई, सरहद पार से तोपें खामोश। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, कोयटा में 3 दहशतगर्द मारे गए, मुजफ्फरगढ़ से असलहा बरामद, राजनपुर में फोर्सेस का छोटू गैंग के खिलाफ एक्शन। शांगला के रास्ते बंद, अशिया की किल्लत बरकरार, बारिशों ने लोगों की मुश्किलात और भी बढ़ा दी, हुकूमती इमदाद से मायूस लोगों की नकल मकानी। हुकूमत शफाफ ना हो तो लोग टैक्स देने से हिचकिचाएंगे, शहबाज शरीफ कहते हैं डंडे के जोर के बजाय तरकीब से टैक्स वसूली का तरीकाकार अपनाया जा रहा है। सलमान की वापसी में आफरीदी रुकावट बना, हारून रशीद मुस्तकबिल के वीएन से आ रही हैं, वकार यूनस की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट मंजरे आम पर आ गई। इंग्लिश टीम के मुसलमान खिलाड़ी मोइन अली से बर्मिंघम एयरपोर्ट पर नारावा सलूक, 40 मिनट तक पूछगछ। भारतीय मंदिर में रखे आतिशबाजी के सामान में खौफनाक आग, 102 यात्री हलाक, 350 जख्मी, पाकिस्तान का जानों के ज़िया पर अफसोस। कामोगी में बर्फखाने में गैस सिलेंडर धमाका, छत गिरने से मजदूर जां बहक, 3 जख्मी। डायरिया के शिकार बच्ची पर अतायत का वार, दौरान इलाज 14 ड्रिप लगा दी, नायमा दोनों हाथों और पैरों से महरूम। गर्मा गर्म मूंगफली चने और मजेदार चावल, शहरी इक्तदार में बैठी भटियारन का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। भारतीय शहर हैदराबाद में क्रेन पुराना जहाज उठाने में नाकाम, टनों वजनी तैयारा जमीन पर गिरा दिया। फिल्म स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स ने एमटीवी अवार्ड मेला लूट लिया। You really should think about anger management. Briar, you're reckless and irresponsible. You can't just run and start fire. और सनसनीखेज मनाज़िर और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म बैस्टिल डे 22 अप्रैल को रिलीज होगी।